में कृषि का यहाँ पे एक ब्रांच ओपन किया, ताकि यहाँ के बच्चे जो है वो अलग लेवल का कम्युनिकेशन स्किल जो हमारे पास आए, जो 2 साल से लेकर 6 7 8 ईयर्स तक के बच्चे का यहाँ पे एडमिशन होता है, वो जब बच्चे हमारे स्कूल में आने के बाद घर जाए तो पेरेंट को लगे कि नहीं ये बच्चे कृषि से आए हैं, डिफरेंट लगना उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका इंग्लिश टॉकिंग पावर। एटलीस्ट नर्सरी के बच्चे हमारे स्कूल में आए, वो घर जाए तो इंग्लिश बोले, मोम दिस इज किचन, दिस इज क्लासरूम, दिस इज दिस एंड व्हाट डू यू डू इन किचन, एवरीथिंग किड कैन स्पीक इन सर इंग्लिश। मुझे ये प्रपोजल दिए कि ऐसे ऐसे हम लोग स्कूल खोल रहे हैं, प्री स्कूल खोल रहे हैं, बच्चे का डेवलपमेंट होगा, तो मुझे उनका इनोवेटिव आइडिया बहुत वो अच्छा जैसे है। बोले कि हम लोग डिजिटली करेंगे, उसके बाद बच्चों के लिए बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटीज होगा, गेमिंग पर अभी जो डिजिटली आ रहा है, टॉकिंग पेन से हम लोग बच्चों को कैसे उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, 3D लगेगा आपका, देन उसके बाद आपका बहुत सारा टॉयज आ रहा है जैसे स्लाइडर हो गया, इनोवेटिव आइडिया है जैसे हम लोग बच्चों का ग्रोथ कर सके। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों का ग्रोथ आपका 2 1 साल से लेके 5 से 6 साल तक बच्चों का ग्रोथ ज्यादा होता है उस टाइम उस तो हमेशा पर्पज। शिक्षा की बात करते हो, तो आज हम दलसिंह सराय के एक ऐसे स्कूल में आपको मिलवाने वाले हैं जहाँ पे बच्चों के लिए कुछ अलग सुविधा है। जी हाँ, एक किड जी नाम से एशिया का सबसे बड़ा बच्चों का स्कूल कहा जाता है, उसकी फ्रेंचाइजी यहाँ पे ये सर ने लिए हैं और कुछ अलग दिख रहा है। मैं जैसे ही रोड पे साइड में उतरा और देखा तो देखता रह गया कि अरे यार स्कूल कितना अच्छा है, मतलब कुछ अलग दिखाने की गई है। और मैं आपको बता दूं, ये मैम है, आईएएस की तैयारी कर चुके हैं और एग्जाम भी कई बार निकाल चुके हैं, तो समझ सकते हैं कि एक आईएएस के थॉट वाले जो व्यक्ति होंगे वो न्यू फ्यूचर, न्यू दुनिया में न्यू एजुकेशन, कुछ अलग की बात होगी। सर से आपको परिचय करवाते हैं और बाकी बात इनसे बात करने के बाद आप लोग जानिएगा। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजेश सिंह हुआ है, मैं एक्चुअली दलसिंह सराय में जी एक बच्चे का एक अलग इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर देना चाहता हूँ, इसलिए मैं किर्जी का यहाँ पे एक ब्रांच ओपन किया, ताकि यहाँ के बच्चे जो है वो अलग लेवल का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो। बच्चे जो हमारे पास आए, जो 2 साल से लेके 6 7 8 ईयर्स तक के बच्चे का यहाँ पे एडमिशन होता है, वो जब बच्चे हमारे स्कूल में आने के बाद घर जाए तो पेरेंट को लगे कि नहीं ये बच्चे किर्जी से आए हैं, डिफरेंट लगना उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका इंग्लिश टॉकिंग पावर। एटलीस्ट नर्सरी के बच्चे हमारे स्कूल में आए, वो घर जाए तो इंग्लिश बोले, मोम दिस इज किचन, दिस इज क्लासरूम, दिस इज दिस एंड व्हाट डू यू डू इन किचन, एवरीथिंग किड कैन स्पीक इन इंग्लिश टू पेरेंट्स टू एवरीवन। तो हम लोग इस तरह के चाहते हैं बच्चे को, एंड आई होप दिस किर्जी विल बी ए बेस्ट स्कूल इन दलसिंह सराय, एंड जो भी बच्चे यहाँ से जाएंगे वो एक अलग तरह का माहौल क्रिएट करेंगे, और हमको आशा आई होप कि पब्लिक भी इस स्कूल को पसंद करेंगे, पेरेंट को भी अच्छा लगेगा। और 2 तारीख को हम लोग जो लॉन्चिंग करने का प्लान किए हैं, सब पेरेंट्स से भी ये है रिक्वेस्ट है कि वो लोग आके ये ग्रैंड ओपनिंग को सक्सेस करें और यहाँ आके अपना जो है प्रेजेंस दें। अंदर का जो एक सिस्टम है कुछ अलग। और मतलब प्ले स्कूल जैसे होता है ना, कि बच्चों को खेलते खेलते पढ़ाना, जिससे कि बच्चों के अंदर वो चीजें जल्दी जाती हैं और वो हमेशा के लिए समा जाती है। यहाँ पे कुछ और सिस्टम क्या है ये बताना चाहेंगे? यहाँ पे जैसे बच्चे आएंगे, बच्चे को क्या है खेल खेल में पढ़ाई के प्रति उसको फोकस किया जाता है, जी उसको अट्रैक्ट किया जाएगा, जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, सिंगिंग के साथ जैसे अभी यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस है, स्मार्ट क्लासेस में टीवी जैसे चल रहा है उसमें देखेगा लायन जैसे है, लायन कैसे रन कर रहा है, लायन का साउंड कैसे बाहर आता है, उसका किस कलर का स्किन है, उस दे जैसे रखे हैं। कैमरा है, वाईफाई है, अच्छा सर, एक बात ट्रांसपोर्टेशन। बताना चाहूंगा, अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स से वो कहते हैं कि इतने कम एज में आज की डिजिटल दुनिया में बच्चों को जाने के बाद उनका मन जो है ना, मानसिक कुछ ज्यादा ही मन बढ़ जाता है, ऐसा देहाती भाषा में कहते हैं, तो इस पे क्या करना आप चाहेंगे आप? सही, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन आप हमसे पूछे हैं। जी एक्चुअली क्या अभी के समय बच्चे सोचते हैं 2 साल के बच्चे स्कूल में क्यों भेजेंगे, इसको हाँ हम 5 साल में डायरेक्ट 1 क्लास हाँ सेकेंड क्लास में ले ले, लेकिन ये है आप बच्चे 1 to 5 तक, 5 साल तक बच्चे जो 2 से 5 साल तक एज होता है, प्ले स्कूल में इतना अदर एक्टिविटी होता है, बच्चे इतना सारा ज़्यादा डेवलप होते हैं, बाहर का आउटसाइड का जो नॉलेज इतना इनबिल्ट होता है, वो देश विदेश किसी भी कॉर्नर में जाके जब बड़े होकर जाएंगे तो उनको एग्जिस्ट कर सकते हैं।
और जब एकेडमिक में डायरेक्ट फोकस करेंगे फिफ्थ और फोर्थ में जाने के बाद सेकेंड के बाद जो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें को समझेंगे, एकेडमिक के साथ साथ अदर करिकुलम एक्टिविटी में वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कभी बच्चे कोई बीमार पड़ जाते हैं तो उस समय आप क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास फर्स्ट एड का सुविधाएँ हैं, जैसे थोड़ा बहुत चोट, ये तो एक्चुअली तो हर एक 10 बच्चे पे एक हमारा टीचर रहता है, वो रहता तो चोट लगने कोई चांस ही नहीं है। बाय द वे थोड़ा बहुत आ जाता है तो हम लोग फर्स्ट एड का अरेंजमेंट रहता है और डॉक्टर से भी कंसल्ट सब रहा, तो उसके लिए कोई दिक्कत है। मैक्सिमम यहाँ 99% किसी की चोट लगता नहीं, क्योंकि सब वहाँ पे जो अरेंजमेंट है पूरा बच्चे के लिए। अच्छा। बच्चे गिरते भी है तो उनको चोट नहीं लगता है, नीचे जो जो भी मैट ये सब रहता है वो बच्चे के हिसाब से डेकोरेट किया जाता है। ओके अच्छा सर, यहाँ पे फी की क्या सुविधा है? और अभी जो आपका न्यू ओपनिंग होने वाला है तो अभी बच्चों का एडमिशन में क्या चार्जेस लगेंगे, ये सारा चीज क्लियर करना चाहिए। अभी जो हम लोग ये जो है हम लोग एडमिशन और रजिस्ट्रेशन चार्ज तो अभी ऑफ वे ऑफ कर दिया, हटा दिया है, अभी तो फ्री है। और जो भी पेरेंट है वो सब आने के बाद फेस टू फेस डिस्कस हो जाता है चार्ज और एडमिशन फी, सब उनके सामने सब डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि लोगों को मोटिवेशंस की जरूरत होती है, आज के बच्चे के माता पिता जो हैं उन्हें खुद मोटिवेशंस की जरूरत होती है, तो मोटिवेशंस की कमी है, तो क्या आप बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे? मैं सबसे पहले क्या मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पहले तो पेरेंट को एक्टिव होना पड़ेगा, उनको बच्चे के लिए टाइम निकालना पड़ेगा और पेरेंट आके एक बार विजिट करे। पहले हम लोग पेरेंट्स से जुड़ेंगे उसके बाद बच्चे से जुड़े। हमारा यहाँ तक रहेगा, हमारे क्लास के जो टीचर्स हैं जो प्रिंसिपल हैं हर एक वीकली बच्चे के घर पे विजिट करे, पेरेंट्स से मिले, बच्चे घर पे क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या कौन से एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसका क्या मेंटालिटी है, वहाँ पे वर्क करे और उनके साथ मिले। फिर यहाँ पे आके कुछ कमियाँ हैं कुछ फीडबैक है हम पेरेंट्स से कलेक्ट करेंगे और मंथली जो है वंस या ट्वाइस हम पेरेंट के साथ मीटिंग करेंगे, अगर कुछ कमी है फीडबैक देंगे उस पर भी हम वर्कआउट करेंगे। एक लास्ट सवाल, जैसे कि कोई दूर के बच्चे होंगे, मान के मान लीजिए मैं विद्यापति से हूँ, मेरा ही बेटा आपके यहाँ आना चाहे, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे अगर मैं आपके यहाँ लेके नहीं आ सकता हूँ तो? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि दूर से भी बच्चे आए 10-12 किलोमीटर के रेंज में आए, लेकिन इनिशियली क्या है 10-15 दिन स्टार्टिंग में आपको बच्चे को खुद से ड्रॉप करने से क्या होता है स्कूल में, बच्चे को थोड़ा फीलिंग्स माँ बाप के प्रति डायरेक्ट स्कूल में आने से एक सप्ताह 10 दिन जो होता है जो एक छोटा सा टाइम पीरियड है तो लोग लेते हैं, उसके बाद हम लोग वो गाड़ी भेजने पे वो लोग ट्रांसपोर्ट सुविधा हम लोग दे देंगे तो लोग आ जाएंगे। और कितनी देर आप बच्चों को टाइम देंगे? देखिए एक्चुअली क्या होते हैं प्ले स्कूल इसलिए डिजाइन किया है, बच्चे को 2.5-3 जो प्ले ग्रुप का बच्चे हैं 3 आवर्स और जो नर्सरी केजी सीनियर केजी के 3.5 आवर इतना टाइम इन्वॉल्व करना चाहिए बच्चे को, ज्यादा दिन इसमें नहीं कर रहा ये करना। और कोई भी पेरेंट को जैसे है उनको लगता है हमारे बच्चे को शाम को फ्री है 2 घंटा एक्स्ट्रा एक्टिविटी है खेलने के लिए टॉय रखा है और कुछ भी तो वो भी भेज सकते हैं बच्चे आके शाम को भी, लेकिन कंटिन्यूअसली हम लोग बच्चे के 2.5-3 घंटा देने से बच्चे फ्रेशनेस फील करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यूस अगर हम 20 उसको 6 आवर 8 आवर डालने से क्या होगा बच्चे एक बर्डन टाइप माइंड वॉश फील हो जाता है, वो बोर लगेंगे फिर नेक्स्ट डे से आना नहीं चाहिए, ऐसा लगना है कि बच्चे हम चाहते इस तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट हुआ हो और वो क्लास में इस तरह के अटेंटिव बनाया जाए ताकि नेक्स्ट डे बच्चे जो है वो तो बोले मम्मी मैं घर पे नहीं रहूंगा मैं भी स्कूल ही जाऊंगा। बहुत बड़ी बात आपने सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए मैं यहाँ पे मैम से आपको बात करवाता हूँ जो कि इस स्कूल के एज ए प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले मैम आपका शुभ नाम जानने का प्रयास करूंगा। निक्की सिंह जी। मैम मैंने आपके बारे में सुना हूँ कि आप IAS की भी एग्जाम में जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दलसिंहसराय के लिए समस्तीपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे शिक्षक मिल रहे हैं जो कि IAS तक जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे तरफ से, हो सकता है कि कल को मेरे भी बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आए तो एक IAS वाला गुण उनके अंदर कहीं ना कहीं रहेगा ही। अच्छा मैम क्या सोचा है आपने, किस तरह से मतलब आपकी थॉट्स थे, क्या थॉट्स थे इस स्कूल के पीछे, आप अपना बयान कुछ देना चाहेंगे? सर हम सोच रहे हैं कि केजी स्कूल जो है ना दलसिंहसराय का सबसे बेस्ट स्कूल बने बच्चे के लिए। जी जी, प्ले स्कूल जो है बच्चे के मतलब ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जी मैम, जैसा कि यहाँ पे पढ़ाई की सर सुविधा सर बता दिए हैं, आप तो प्रिंसिपल हैं, आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे ये मैं जानना चाहूंगा। सर बच्चे को मतलब बैठ के तो पढ़ा नहीं सकते, उनको खेल खेल में बच्चे को एक्टिविटी करा के हम पढ़ाएंगे। अच्छा पढ़ाई की मतलब क्या सब सब्जेक्ट रहेंगे ये सब मैं जान सकता हूँ? पढ़ाई के लिए बच्चे के लिए सर जैसे बच्चे खेल खेल में जैसे 1-2 कलर्स नेम्स
फ्लावर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, जो भी है बच्चे खेल खेल के पढ़ेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मीता मल्लिक है, आई एम फ्रॉम ओडिशा। ओके, हमारे बिहार के लिए गर्व की बात है, उड़ीसा को कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। यहाँ पे आई, उड़ीसा से आई, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्कूल थे, आपने इन सर के ही स्कूल को चूज क्यों किया, क्या पर्पज से चूज किया? देखिए सर, अब सर मुझे ये प्रपोजल दिए कि ऐसे ऐसे हम लोग स्कूल खोल रहे हैं, प्री स्कूल खोल रहे हैं, बच्चे का डेवलपमेंट होगा, तो मुझे उनका इनोवेटिव आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो जैसे बोले कि हम लोग डिजिटली करेंगे, उसके बाद बच्चों के लिए बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटीज होगा, गेमिंग पर्पोज होगा उनके लिए, अभी जो डिजिटली आ रहा है टॉकिंग पेन से हम लोग बच्चों को कैसे उनका डेवलपमेंट कर सकेंगे, 3D लगेगा आपका, देन उसके बाद आपका बहुत सारा टॉयज रहा है जैसे स्लाइडर हो गया, ट्रम्पलिंग हो गया, बहुत सारा इनोवेटिव आइडिया है जैसे हम लोग बच्चों का ग्रोथ कर सकें। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों का ग्रोथ आपका दोस्त एक साल से लेके 5 से 6 साल तक बच्चों का ग्रोथ ज़्यादा होता है। उस टाइम उस पर्पोज में हम अगर बच्चों का बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग कर देंगे, उनको अगर उस टाइप में हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर आवर स्कूल। अच्छा मैम, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मैं ये जान सकता हूं? मैं MBA करी हूं इन HR। अच्छा, ठीक है मैम, जैसा कि मैंने सुना हूं कि आप इंग्लिश में और हिंदी में ज्यादा वेल एजुकेटेड हैं पढ़ाने में, जी। तो जैसे कि मैंने देखा है और जगह पे इंग्लिश कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, हिंदी में कुछ और तरीके से पढ़ाया जाता है, तो आपका पढ़ाने का क्या तरीका है? जैसे हिंदी में कोई बच्चे आपके सामने खड़ा है, तो आप उन्हें किस तरीके से पढ़ाएंगे? देखिए सर, पहले क्या होता है कि बच्चे लोगों को हम लोग बॉर्डन दे के नहीं करेंगे कि तुम ये करो, तुम लोग ये प्रेशर करो। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोली कि बच्चों को जो इस उम्र में उनको जो भी हम लोग सिखाएंगे वो ही सीखेंगे। हम लोग उनको बैड थिंग सिखाएंगे तो बैड थिंग सीखेंगे, हम लोगों को गुड थिंग कुछ सिखाएंगे तो वही सीखेंगे। तो हम लोग यही प्रयास करेंगे, ये करेंगे कि बच्चे कैसे उनको बॉर्डन ना लेके वो आराम से फ्रीली पढ़े, ताकि वो आज अगर घर स्कूल से घर जाएंगे तो उनको ये ना लगे कल हम एक ठो जेल में जा रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर हमें बंदी बन के रखना है। ऐसे फ्री करके यहाँ पर बैठेंगे जैसे लगेगी कल हमें स्कूल और आना है, और हम ये पर्पोज से कर रहे हैं। वी ओपन विद दिस पर्पोज दैट द चिल्ड्रन कैन बी डेवलपमेंट हियर। तो व्हाट इज एजुकेशन मैम? In my view, education means is the key factor where I can change the world, whole world. Education ऐसा एक माध्यम है जिसको हम लोग प्रयास करके, उसको उपयोग करके हम अब पूरे वर्ल्ड को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कोई अगर मान लीजिए कोई इलिटरेट पर्सन है, कोई एजुकेशन पर्सन जाएगा, उसको हम लोग सिखाएंगे तो क्या होगा? नहीं बोलते कि आज के जो छोटे बच्चे हैं कल के नागरिक है, भविष्य के बड़े नागरिक है, तो वही प्रयास रहेगा कि हम लोग कैसे उनको इनबिल्ड कर सकें एजुकेशन। अच्छा मैम, मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे शिक्षित तो बहुत हो जाते हैं आज के समय में हमारे क्षेत्र में, लेकिन उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे कि कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, तो ये सारा चीज का कमी होता है उनमें, तो आपके हिसाब से पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? देखिए सर, ऐसे आप यही चीज हम हमारी किर्जी में ये कर रहे हैं ना, कि हम लोगों को उनको बस एजुकेटेड बनाना है, हमें उनको मैनर्स भी बहुत अच्छा देना है। कोई अगर पेरेंट्स आए कि उनके साथ कैसे बात करना है, पहले आके उनको प्रणाम करे, ये करे, टीचर जैसे एंट्री करे, टीचर को देखे, कहीं भी देखे वो उनको रेस्पेक्ट दे। मम्मी पापा से घर में अगर बैठे हैं, घर में बैठे कोई पेरेंट्स आए कि कोई गेस्ट अगर आएंगे, तो उनको कैसे हम लोग रेस्पेक्ट दे। हम लोग नॉट ओनली वी गिव देम टीचर टीच देम इन एजुकेशन बट ऑल्सो मैनर्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि शिक्षा का क्या मतलब होता है आज हमारे देश में, मैम अगर देखा जाए तो शिक्षा का मात्र 0 हो चुका है, शिक्षा का परसेंटेज। ऐसे तो डिग्री बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज प्राइवेट के तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका कमी है कि हमारे सरकारी स्कूल में बस मात्र नाम मात्र की पढ़ाइयाँ होती है। सर मैम, आप भी जानते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल में शिक्षक तो चले जाते हैं, सैलरी उठा लेते हैं, लेकिन उनका नाम कई बार, मेरे चैनल पे आप जाइएगा तो मैं पूछता हूँ, जैसे आपका नाम आयुषी है तो आपका क्या नाम है, तो बोलेगी WAYUSI, तो उस समय फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में शिक्षा की कमी हुई है, तभी आज प्राइवेट के तरफ लोग बढ़ रहे हैं, और ये भी सच्चाई है कि सरकारी सरकारी ही होता है। तो मैं यही कहूंगा, जो भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं, दलसिंह सराय के अंदर बच्चों के लिए सबसे बेहतर सुनहरा भविष्य, बच्चों का आने वाला भविष्य को बदलने का ताकत रखता है ये स्कूल।